हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरी जानकारी देंगे HUS कूलिंग टावर को किस प्रकार से और कैसे क्लीन किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं पूरी वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं ये HUS कूलिंग टावर्स है। इस कूलिंग टावर्स में जो पानी हमेशा रहता है, इसलिए इसमें स्केल की प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं इस कूलिंग टावर्स के तल पर काफ़ी सारा स्केल जमा हुआ है, तो इसमें हमेशा पानी रहने के कारण इसमें स्केल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस स्केल को हम लोग आज क्लीन करेंगे। वो भी किस प्रकार से क्लीन करेंगे वो आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएँगे। तो स्टेप बाई स्टेप आप लोग को हम दिखाते हैं पूरा वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले कूलिंग टावर्स की ड्रेन लाइन को ओपन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी टीम के मेंबर हैं जो कूलिंग टावर्स की ड्रेन लाइन को ओपन कर रहे हैं। यह ड्रेन लाइन का वाल्व पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस ड्रेन लाइन को वाल्व की जगह से ओपन कर रहे हैं और यहाँ से पानी को ड्रेन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ड्रेन ओपन हो गया है और कूलिंग टावर्स का पानी ड्रेन होना स्टार्ट हो गया है। तो हम इस प्रकार से कूलिंग टावर्स का पानी ड्रेन करेंगे, ड्रेन लाइन का वाल ओपन कर देंगे, जिससे ड्रेन लाइन द्वारा कूलिंग टावर्स का पानी बाहर चला जाएगा और कूलिंग टावर्स खाली हो जाएगा। इसके बाद हम कूलिंग टावर्स में अंदर घुसेंगे, इसलिए हम कूलिंग टावर्स की एक जाली को ओपन कर रखा है। अब हम ड्रेन लाइन ओपन करने के बाद इस कूलिंग टावर्स के अंदर जाएंगे और इसका जो पानी है वो ब्रश या वाइपर से इस पानी को हिलाएंगे, ताकि जो स्केल्स नीचे कूलिंग टावर्स में इकट्ठा हो रखे वो पानी के साथ मिक्स हो जाए और ड्रेन लाइन द्वारा बाहर चली जाए। आप लोग देख सकते हैं ब्रश के माध्यम से कूलिंग टावर्स के पानी को हिलाएंगे, जिससे इसकी स्केल्स पानी के साथ मिक्स होकर ड्रेन लाइन द्वारा बाहर चली जाएगी। आप लोग देख सकते हैं इस कूलिंग टावर्स में काफ़ी सारा स्केल्स जमा हो गया है। यदि हम ये स्केल्स क्लीन नहीं करेंगे तो ये आगे जाकर कंडेंसर लाइन के स्टैंडर में इकट्ठा हो जाएगी, और ज़्यादा स्केल इकट्ठा हो जाएगी तो हमारा पानी पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और हमारा HUS सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। कूलिंग टावर से किनारे पर जो स्केल्स जमा हो जाती है तो उसको हम ब्रश के माध्यम से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी ज़्यादातर स्केल्स ड्रेन के माध्यम से बाहर निकल गई है। हम लोग किनारे पर जो स्केल्स जमा हो गई उसको हम ब्रश के माध्यम से साफ कर रहे हैं। जब कूलिंग टावर्स में पानी बहुत ही कम मात्रा मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं इस कूलिंग टावर्स का लेवल बराबर नहीं है, तो इसमें बीच बीच में कहीं पर आप लोग को पानी के साथ स्केल्स के भी कण मिल जाएंगे। तो हम इसको वाइपर के माध्यम से अच्छी तरह से साफ करेंगे और ड्रेन लाइन की ओर ले जाएंगे, और इस जो सारी स्केल है इसको हम वाइपर के माध्यम से ड्रेन लाइन की सहायता से बाहर करेंगे, तभी हमारा कूलिंग टावर्स अच्छी तरह से क्लीन हो पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम वाइपर के माध्यम से स्केल्स को हटा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कूलिंग टावर्स अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, इसमें हम अब कूलिंग टावर्स में क्लीन वाटर को भरेंगे फिर से। तो इसके लिए हम लोग मेकअप ऑयल को ओपन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने मेकअप ऑयल को ओपन कर दिया है और कूलिंग टावर में पानी भरना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को हमने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाया है कि कूलिंग टावर्स को किस प्रकार से और कैसे क्लीन किया जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।